दुनिया में हर कोई इन्वेस्टर है। अब आप पूछेंगे कैसे? देखिए, कोई पैसे इन्वेस्ट करता है, कोई वक्त इन्वेस्ट करता है, कोई किसी को जॉब देता है और उसके टैलेंट पे इन्वेस्ट करता है, तो कुल मिलाकर हम सारे के सारे इन्वेस्टर हैं। नमस्कार, मैं हूं अवधेश श्रीवास्तव और आज हम चर्चा कर रहे हैं बेंजामिन ग्रैहम की लिखी किताब द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर पर। अगर आपकी चाहत है ज़्यादा पैसे कमाना, ज़्यादा रिच होना, तो आपको इन्वेस्ट करना सीखना पड़ेगा। आपको आपके पैसे को काम पर लगाना पड़ेगा, उसे इस लायक बनाना पड़ेगा कि जब आप सो रहे हों तब भी वो आपके लिए काम करता रहे, और ऐसा करने के लिए आपको एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनना पड़ेगा। इन्वेस्टिंग को लेकर बहुत सारी गाइडेंस अवेलेबल है मार्केट में, लेकिन अगर एक बेंचमार्क की बात की जाए तो बेंजामिन ग्रैहम की ये किताब अपने आप में एक बेंचमार्क है, जिसे पढ़कर सारे लोग कुछ ना कुछ समझ सकते हैं। किताब का नाम है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर और आज इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। वॉरेन बुफे दुनिया के नंबर एक इन्वेस्टर हैं और ये किताब जिन्हें वॉरेन बुफे गुरु मानते हैं उन्होंने लिखी है, बेंजामिन ग्रैहम ने। सभी ग्रेट इन्वेस्टर्स द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को बाइबल की तरह पूछते हैं, उसे पढ़ते हैं। तो इसके बारे में सुनना, इसके बारे में डिस्कस करना, इसके बारे में चर्चा करना अपने आप में ही बहुत बड़ा काम है और इसे समझना अपने आप में ही बहुत ही फायदेमंद है। इन्वेस्टमेंट दो तरह की होती है, एक अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट और एक होता है डिफेंसिव। अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट वो होती है कि आप खरीदते जाइए, पर क्या उसमें फ़ायदा है? ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जब मार्केट क्रैश होता है, लोगों को लॉस होता है, तो बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगियां छोड़ देते हैं, बहुत सारे लोग उम्मीदें छोड़ देते हैं। तो पहले हमें शेयर मार्केट के टर्म्स समझना बहुत ज़रूरी है, यानी कि अग्रेसिव वर्सेस डिफेंसिव क्या है। इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि मान लीजिए दो दोस्त हैं जो अमीर बनना चाहते हैं और इसके लिए वो दोनों शेयर मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। दोनों दोस्त लगभग एक जैसे ही हैं, दोनों काफ़ी समझदार हैं और उन दोनों का नेटवर्थ भी, यानी जितने पैसे उनके पास, वो सब एक जैसा है। पर एक बात दोनों में अलग है और वो ये है कि उनमें से एक अग्रेसिव इन्वेस्टर है और दूसरा डिफेंसिव। जो अग्रेसिव इन्वेस्टर है वो ये सोचता है कि हम जितना ज़्यादा रिस्क लेंगे उतना ही ज़्यादा रिटर्न कमाएंगे, इसीलिए वो ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है जो जल्द से जल्द हाई रिटर्न दें, भले ही वो कंपनी अच्छी हो या बुरी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जबकि जो दूसरा दोस्त है जो कि डिफेंसिव इन्वेस्टमेंट करता है, संभाल कर पैसे इन्वेस्ट करता है, वो सोचता है कि कम से कम रिस्क में रिटर्न मिल जाए, भले ही रिटर्न कम ही हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर सेफ हो। अब एक दिन ऐसा होता है कि जो अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट वाला है उसको 100 रुपये का प्रॉफिट होता है एक शेयर से, वहीं जो दूसरा है जो कि सेफ इन्वेस्टमेंट करता है, डिफेंसिव इन्वेस्टर है, वो उसको सारे शेयर मिलाकर भी 100 रुपये का प्रॉफिट नहीं होता, पर हाँ उसे प्रॉफिट होता है। तो ये सुनने के बाद आपको लगेगा कि भाई अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट बेटर है। जी नहीं, इसके आगे की कहानी ये है कि डिफेंसिव इन्वेस्टर ने 4 महीने में 4 इन्वेस्टमेंट किए, चारों स्टॉक्स में उसने 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया। उसके पहले इन्वेस्टमेंट में उसे 5% का प्रॉफिट हुआ, दूसरे में 2 का, तीसरे में 12 का, चौथे में 20 का, मतलब अगर हम देखें तो उसे कुल मिलाकर लगभग 9% का प्रॉफिट हुआ। अब अग्रेसिव इन्वेस्टर के बारे में देखते हैं, उसने 4 महीने में 40,000 रुपये में कुल 8 अलग अलग स्टॉक्स खरीदे। पहले इन्वेस्टमेंट में उसे 50% का घाटा हुआ, दूसरे में उसे 60% का प्रॉफिट हुआ, तीसरे में उसे 5% का प्रॉफिट हुआ और चौथे में उसे 10% का घाटा हुआ। तो इसी 4 महीने के एंड तक उसे लगभग 2% का प्रॉफिट हुआ। अब अग्रेसिव इन्वेस्टिंग की यही मुसीबत है, जो कम समय में हाई रिटर्न तो दे सकती है, पर जब आप उसे ऑब्जर्व करेंगे तो पाएंगे कि लंबे समय में वो बहुत ज़्यादा आपको लॉस में ले जा रही है। ये एक तरह का जुआ ही समझिए कि आप एक बार जीत तो जाते हैं पर कितनी बार हारेंगे इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। वो हार इतनी बार भी हो सकती है कि आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। मतलब ये कि कम प्रॉफिट पर बिना लॉस के इज बेटर ऑप्शन, डिफेंसिव इन्वेस्टर होना इज बेटर ऑप्शन। बेंजामिन ग्रैहम आगे बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट देते हैं, मिस्टर मार्केट का कॉन्सेप्ट। मान लीजिए कि आप एक बिजनेस के मालिक हैं और आपका एक पार्टनर है, उसका नाम है मिस्टर मार्केट। मिस्टर मार्केट हर दिन आपके घर आता है और रोज आपको ऑफर देता है, बिजनेस खरीद सकते हो या बिजनेस उससे बेच सकते हो, मतलब
खरीद फरोख्त आप उससे कर सकते हो। पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि मार्केट बहुत ही भावुक यानी कि इमोशनल है। इमोशनल इंसान नॉर्मली तो ठीक रहते हैं, अच्छे होते हैं, पर कई बार वो इतने इमोशनल हो जाते हैं कि आपको रियल वैल्यू से बहुत हाई प्राइस दे देंगे। कई बार इतने इमोशनल हो जाएंगे, इतना गुस्सा हो जाएंगे कि आपको बहुत ज़्यादा लॉस करा देंगे। मान लीजिए कि आपके पास एक बिजनेस है जिसका इंट्रिंसिक वैल्यू 10,000 रुपये है, लेकिन इस बात से मिस्टर मार्केट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब वो खुश होता है तो 10,000 रुपये के बदले आपको 20,000 रुपये भी दे सकता है, पर अगर उसका मूड ख़राब हो गया तो 10,000 के बदले वो आपको 2 रुपये भी नहीं देगा। हाँ, पर मिस्टर मार्केट की सबसे अच्छी बात यह है कि वो आपको कभी भी किसी भी प्राइस पर आपका बिजनेस खरीदने या बेचने के लिए ज़बरदस्ती नहीं करता। वो बस आपको मौका देता है, क्योंकि वो आपका दोस्त है। वो कभी भी आपसे ज़बरदस्ती नहीं करेगा, वो वेट करेगा। स्टॉक मार्केट ठीक मिस्टर मार्केट की तरह ही काम करता है। ये कई बार लॉजिकल नहीं होता, पर वो लोगों के इमोशनल इन्वेस्टमेंट से, रैंडम इन्वेस्टमेंट से बदलता रहता है। इसीलिए बेंजामिन ग्रैहम कहते हैं कि अगर आप इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो मिस्टर मार्केट से कोई भी बिजनेस तभी खरीदो, स्टॉक मार्केट में कोई भी बिजनेस तभी करो जब वो उसके इंट्रिंसिक वैल्यू से कम में बेच रहा हो, और तभी बेचो जब आपके बिजनेस को उसके वैल्यू से ज़्यादा पैसे मिल रहे हों। इसको इस तरह से कह सकते हैं कि जब मार्केट में सब बेच रहे हों तो आप खरीदो, और जब सब खरीद रहे हों तो आप बेचो।